उत्तरकाशी शीतकालीन प्रवास मुखवा मार्कंडेय पुरी में गंगा सप्तमी के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि गंगा सप्तमी 14 मई को मनाई जाएगी। इस वर्ष गंगा सप्तमी में पर्यटन विभाग की मौजूद रहेगा और तमाम पदाधिकारी भी गंगा सप्तमी में शामिल रहेंगे, जिसमें कि गंगा सप्तमी में हर वर्ष भारतीय सेवा अपना योगदान देता आ रहा है, इस वर्ष भी अपना पूरा योगदान देते हुए नजर आएंगे। और सप्तमी के दौरान सांस्कृतिक प्रोग्राम भी मौजूद रहेंगे और स्कूल की छात्रा भी अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ग्राम मुखवा मार्कंडेयपुरी में जो गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास है, यहाँ पर आगामी 14/5/2024 को गंगा सप्तमी महापर्व महोत्सव 2024 बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष भी पूरे टकनौर से और जनपद उत्तरकाशी से सभी जनप्रतिनिधिगण और समाज से हर वर्ग से सभी जुड़े हुए लोग यहाँ पर आएंगे और पर्यटन विभाग भी इसमें शिरकत करने वाला है और नौला फाउंडेशन भी इसमें शिरकत करने वाले हैं जो विशेष विशेष आ रहे हैं और पर्यावरण उससे जो है प्रताप जी आ रहे हैं, गंगा धरोहर मंच के सभी सदस्यगण आ रहे हैं और गायत्री परिवार से भी लगभग सभी लोग आ रहे हैं और समस्त टकनौर क्षेत्र के जो बेसिक प्राइमरी स्कूल है, जनरल हाई स्कूल है और विद्या मंदिर है, जितने भी यहाँ पे इंटर कॉलेज हर्षिल है, सारे लोग यहाँ पर अपनी सांस्कृतिक जो प्रस्तुति है वो प्रस्तुत करेंगे और समस्त टकनौर के लोग यहाँ पे आएंगे। मैं समस्त देशवासियों से, तीर्थयात्रियों से अनुरोध करूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में 14/5/2024 को मुखवा मार्कंडेयपुरी में पधारने का कष्ट करें और विशेष करके सीमांत गांव होने के नाते और सीमांत क्षेत्र होने के नाते आर्मी का हम आभार प्रकट करते हैं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आर्मी का विशेष सहयोग रहेगा, भंडारे से लेकर के और बैंड बाजे से लेकर के और सामान्य से लेकर के सारी भूमिका आर्मी सेना की रहेगी। इन्हीं आशाओं के साथ मैं सबको नमन, जय गंगा।